नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी के हालचाल बढ़िया होंगे। और आज हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है जो कि यूथ के बीच में बहुत ज्यादा पसंद आती है। उस गाड़ी में जो है चेंजेस हुए हैं और कंपनी ने कुछ बढ़िया चेंजेस कर दिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाई जाए वो गाड़ी। तो वो गाड़ी हमारे सामने ही खड़ी है यहाँ पे। ये है भाई हीरो की एक्सट्रीम 164V। और आज हम लोग इसमें बताएंगे कि सबसे पहले इसमें चेंजेस क्या क्या किए गए हैं और इसका कितना प्राइस है और इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो हाय गाइस, मेरा नाम है स्वप्निल श्रीवास्तव और आप देख रहे हो स्वप्निल श्रीवास्तव व्लॉग्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये देख सकते हो हमारे सामने यहाँ पे जो है गाड़ी खड़ी है एक्सट्रीम 160R 4V, और इसमें चेंजेस क्या क्या किए गए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको जो है एक बार इसकी की दिखा देते हैं। की में देखो, पहली बार तो की में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं भाई। टिपिकल हमें की मिल जाती है और इसमें जो हमको हीरो का लोगो भी लगा हुआ है। तो भाई इसको जो है गाड़ी में की को लगाते हैं और उसके बाद जो हम आपको इसके चेंजेस बताते हैं। तो सबसे पहले चेंजेस देखो इसके बैक साइड में, अगर हम दिखाएं आपको पीछे बैक साइड में, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जो लाइट्स में है वो चेंजेस करे हैं। पहले इसमें जो है लाइट्स हमें पतली लाइट्स मिलती थी, यहाँ पे सिर्फ इतने एरिया में लाइट्स आती थी और ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इस बार जो है कंपनी ने क्या किया है, पीछे जो है लाइट्स बिल्कुल चेंज कर दिए हैं और यहाँ पे हीरो अच्छे से जो लाइट है वो बड़ी कर दी है, जिसके कारण जो है विजिबिलिटी भी ज़्यादा आ जाएगी और अब पीछे से जो है थोड़ा इसका लुक जो है ब्रॉड लगने लगा है। अब ये लाइट चेंज करिए तो इसके कारण इनको जो है साइड के काउल्स भी जो है सीट काउल्स भी जो है चेंज करने पड़े थे। यहाँ से जो है गाड़ी आपकी ब्रॉड लगेगी। अब गाड़ी बल्की लग रही है, उसके पीछे भी कुछ रीज़न से आगे से भी बल्की लग रही है, वो कैसे मैं अभी वो भी आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं बता दूँ कि सीट के अंदर जो इसका फ्रेम है उसमें भी जो है चेंजेस करे गए हैं। जैसे ग्रैब हैंडल्स के जो बोल्ट जो हमको सीट के अंदर से मिलते थे, जो यहाँ से कसे जाते थे, अब वो जो है वो अपसाइड कर दिए हैं, जिसके कारण जो है आप लोग आराम से इसको, अगर ये ढीले हो जाते हैं तो आप लोग आराम से कस सकते हो। सीट हटाते ही जो आपको आराम से काम होते बन जाएगा और ये ग्रैब हैंडल्स भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हमको मिल जाते हैं। देखो पीछे चेंजेस बता दिए, अब आगे चेंजेस बताते हैं। देखो आगे बल्कि गाड़ी हमारी कहाँ से लगेगी, वो लगेगी हमारी 4V जो 4 वाल्व की जो हमको बैचिंग मिल रही है, ये जो हमको काफ़ी अच्छे तरीके से इंजन को कवर करती है। अब ये इंजन को कवर कर रही है, यहाँ पे बल्किनेस इसकी बढ़ा दी गई है। गाड़ी को फ्रंट से देखेगा तो गाड़ी लगेगी कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा जो है ब्रॉड है, लुक्स में अच्छी लगेगी। पावर तो ये वैसे भी अच्छी देती है, पावर कितनी देती है अभी वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर हम नेक्स्ट चेंजेस के बारे में बात करें, देखो यहाँ पे हमें इंजन जो है डुअल कलर में मिलता है। कंपनी पहले जो हमको बिल्कुल प्लेन ब्लैक कलर में देती थी, लेकिन अब जो है ऊपर आपको जो है गोल्डन कलर करके भी दे रही है। ये भी चेंजेस हुआ है और एक मेजर चेंजेस हुआ है, वो क्या हुआ है, क्योंकि पहले गाड़ी में देखो सिंगल चैनल ABS आता था, ठीक है। अब जो है कंपनी ने क्या किया है कि गाड़ी की इतनी डिमांड देखते हुए यूथ के बीच में, तो इन्होंने जो है अब इसमें जो है डुअल चैनल ABS दे दिया है। तो ये देख सकते हो कि आगे भी जो है तुमको ABS की प्लेट मिल जाती है और यहाँ पे पीछे सेगमेंट में भी जो है ABS की प्लेट मिल जाती है। साथ में इसमें एक और मोड ऐड हुआ है जिसको कहते हैं पैनिक ब्रेक असिस्ट, यानी कि अगर आप हड़बड़ी में जो है ब्रेक ले लेते हो एकदम से, तो आपके जो है सारे इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे, जिससे कि पीछे वाले को पता चल जाएगा कि आपने जो है एकदम से ब्रेक ले लिया है। अब ये हो गया। दूसरा अगर हम चेंजेस के बारे में बात करें तो इसके ग्राफिक्स फुल्ली चेंज कर दिए गए हैं। ये देख सकते हो साइड से बिल्कुल इसके ग्राफिक्स चेंज कर दिए गए हैं। ये काफ़ी बड़ा से जो है इसमें R लिखा हुआ है। और एक चेंज हुआ है जो कि इसमें कलर ऐड किया गया है, हालांकि वो कलर अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो कलर में जो है चेंजेस करे गए हैं। वो एक कलर इन्होंने ऐड कर दिया है अपने एक्सट्रीम 160R 4V के सेगमेंट में। तो ये सब चीज़ें जो है जितने चेंजेस हुए थे इन सब चीज़ों को तो कवर कर दिया है। अब इसमें देखो मैं बताता हूँ आपको कि इसकी पावर कितनी है, इसका प्राइस कितना है और ये चलाने में कैसी, साथ में इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या चीज़ें जो है चेंज किया गया है। हालांकि चेंज देखो टैंक भी किया गया है, क्योंकि इसके टैंक में जो है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन कर दिया गया है। और यहाँ पे एक्सट्रीम की जो बैचिंग देख रहे हो, ये भी जो है आपको 3D में मिलती है। और ऊपर से अगर हम बात करें इसको चेंज किया क्या गया है टैंक में, क्योंकि यार देखो इसमें डुअल बॉडी टैंक इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यार आगे का सेगमेंट मैट में है और पीछे का ग्लॉस में है, तो इसको दोनों को अलग अलग पार्ट में बनाया गया है, जिसके कारण टैंक पे चेंजेस हुए। अब 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, माइलेज भी जो है काफ़ी बढ़िया देती है गाड़ी। आप चाहे जैसे भी भगाओ, 35 का माइलेज आपको आराम से मिलने वाला है, चाहे आप 100 भगाओ चाहे जितनी भगाओ, और 40 का माइलेज आपको बहुत आराम से मिल जाएगा हाईवे पे। तो आप जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप गाड़ी कैसे चला रहे हो। एक और चेंजेस है, वो चेंजेस है इसकी सीट से रिलेटेड, क्योंकि इसमें देखो अब आपको जो है सिर्फ सिंगल सीट मिलती है, अब आपको जो इसमें स्प्लिट सीट नहीं मिलती है। अब कंपनी ने जो है बहुत सारे चेंजेस ऐसे किए हैं कि आपके फैमिली में मम्मी दादी बहन को देखते हुए उन्होंने स्प्लिट सीट हटा दी, जिससे कि कभी कभी जो है अनकंफर्ट फील होता है फैमिली मेंबर्स को। और यूथ को इतनी गाड़ी पसंद थी, परफॉर्मेंस बढ़िया थी, इसलिए उन्होंने जो है डुअल चैनल ABS भी दे दिया है। हालांकि प्राइसिंग जो है थोड़ी सी बढ़ाई गई, वो भी बताऊंगा कि प्राइसिंग क्या बढ़ाई गई। लेकिन अब जो है गाड़ी के फ्रंट सेगमेंट में चलते हैं और आपको गाड़ी का एक पूरा ओवरव्यू देते हैं कि इसमें कितनी पावर मिलती है और क्या ही इसका जो है परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। सबसे पहले फ्रंट सेगमेंट में अगर हम बात करें तो ऊपर सेगमेंट में देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो है DRL लाइट्स मिल जाती हैं, जो कि हमारे LED लाइट्स मिलती हैं। अब इसकी लाइट्स में जो है हमको कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, लाइट्स में वही हमको टिपिकल चेंजेस और पुरानी वाली LED लाइट्स मिलती है। और इस साइड में बात करें तो इस साइड हमको जो है LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और ये गोल्डन कलर के जो हमको KYB के सस्पेंशन मिलते हैं, 37mm के जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं सस्पेंशन। और इसमें जो हमको जो फेंडर मिलता है वो डुअल फेंडर मिलता है। देखो डुअल फेंडर क्या मतलब, यहाँ पे आगे आपको ग्लॉस में मिल जाता है, पीछे आपको जो है मैट में मिल जाता है,
और यहाँ पे देखो कंपनी ने जो है अब डुअल चैनल एबीएस की जो है बैचिंग भी करके रखी है। हालांकि अभी एक जो नया कलर ऐड हुआ है उसमें जो है आपको कार्बन फाइबर फिनिश भी बना के दी गई है, वो काफ़ी प्रीमियम लगती है क्योंकि कार्बन फाइबर फिनिश उन्होंने बनाई है वो भी ग्लॉसी में, तो वो बिल्कुल ओरिजिनल कार्बन फाइबर लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि आर्टिफिशियल टाइप में नहीं लगता है, तो वो काफ़ी बढ़िया है। हालांकि आप पीछे की लाइट भी दिखा देता हूँ क्योंकि अभी गाड़ी ऑन किया है, पीछे की लाइट दिखा देते हो। देखो अब लाइट चेंज होने के बाद कुछ ऐसी लगती है लाइट्स हमारी, पहले हमारी जो है छोटी सी लाइट आती थी जो कि यहाँ पे जलती थी और अब लाइट जो है हमारी बड़ी कर दी गई है जिसके कारण काफ़ी अच्छी लगती है। तो अब देखो फ्रंट सेगमेंट में आपको सस्पेंशन बता दिया, अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ इसमें हम इसके डिस्क ब्रेक, आगे हमको जो है 276 mm के जो है डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, डिस्क ब्रेक में हमें जो है कोई भी चेंजेस नहीं मिलते हैं और इसकी टायर की जो प्रोफाइल है वो देख सकते हो, हमको इसमें 180/17 इंच की टायर मिल जाती है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 100 सेक्शन का जो हमको इसमें टायर मिलता है और यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर से जो हमको स्ट्रिप्स मिल जाती है इसके अलॉयस पे। अब इसके अलॉयस की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसमें जो हल्का से कहीं ना कहीं हमें जो है कर्व मिलता है अलॉयस पे, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। साथ में यहाँ पे जो है हमको एबीएस की प्लेट मिलती है और इसमें जो है डिस्क ब्रेक इस्तेमाल करी गई वो हमें पेटल टाइप डिस्क ब्रेक इस्तेमाल करी गई, नॉर्मल डिस्क ब्रेक नहीं इस्तेमाल करी गई, तो ये भी देखने में कहीं ना कहीं हमें प्रीमियम फील कराती है। और बाकी इस साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है रिफ्लेक्टर मिल जाता है। देखो अब बात कर लेते हैं यार इसके इंजन के बारे में, क्योंकि यार इंजन में जो है इन्होंने काफ़ी बढ़िया जो है परफॉर्मेंस तो पहले से दे रहे हैं, हालांकि इंजन में कोई चेंजेस नहीं, बस उसमें जो है उन्होंने ऊपर से कलर कर दिया है। इंजन हमें मिल जाता है वही 163.2 cc का सिंगल सिलेंडर एयर और ऑयल कूल्ड हमको इंजन मिल जाता है। अब ये बल्कि लगती है, इंजन से भी क्यों ऐसा बल्कि लगती है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो 4V 4 वॉल्व की जो बैचिंग कर दी उन्होंने, दोनों सेगमेंट से जो है पूरा इंजन कवर कर दिया जिससे कि आपकी गाड़ी बल्कि लगती है और प्रोटेक्शन भी जो है काफ़ी बढ़िया मिल जाता है हमको यहाँ पे। और नीचे तो हमको इंजन गार्ड मिलता ही था यहाँ पे देख सकते हो। तो गाड़ी के अगर हम देखो डायमेंशंस के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं तो हमको देखो 1333 mm का जो हमको व्हील बेस मिलता है, 165 mm का हमको इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और सीट हाइट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 795 mm की जो हमको सीट हाइट मिल जाती है, तो काफ़ी बढ़िया सीट हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक है। आप इससे जो है थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग या गड्ढे वड्ढे में जाओगे तो कोई आपको इतना नहीं पता चलेगा। बाकी आपको जो नीचे इसमें मेन स्टैंड मिल जाता है, सिंगल स्टैंड मिल जाता है। बाकी अगर हम पीछे वाले टायर की प्रोफाइल के बारे में हम बात कर लेते हैं तो पीछे वाले टायर की प्रोफाइल में हमको 130 mm 130/70 इंच का जो हमको टायर की प्रोफाइल मिल जाती है और 17 इंच का हमको जो अलॉय मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया है। पीछे वाली डिस्क ब्रेक मैंने बताया कि 220 mm की आपको डिस्क ब्रेक मिलती है और यहाँ पे देख सकते हो कि ABS की प्लेट इस साइड इस बार जो है इसमें ऐड हो चुकी है, क्योंकि पहले इसमें ABS डुअल चैनल ABS नहीं मिलता था, सिर्फ सिंगल चैनल ABS मिलता था। अब 130 mm का टायर है तो काफ़ी बढ़िया जो है हमको कॉर्नरिंग और लीनिंग होने में सही रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इसमें थोड़ा से और ऐड कर देते, लेकिन अगर ऐड भी होता तो इसका माइलेज कम हो जाता, तो ये कहीं ना कहीं जो है पॉइंट देखना पड़ेगा। बाकी गाड़ी के हिसाब से तो 130/70 सेक्शन का जो है टायर वो भी काफ़ी बढ़िया है, पीछे से देख सकते हो कुछ इस टाइप से लगता है। और साइड प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपको साइड स्टैंड मिल जाता है, सिंगल चैन कवर भी मिलता है और फुटपैक की क्वालिटी के बारे में बात करें तो काफ़ी बढ़िया है इसकी जो हमको फुटपैक की क्वालिटी मिल जाती है। पीछे अगर हम सस्पेंशन के बारे में बात करें तो भाई हमको जो है मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है जो कि हमारा 7-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन है, काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन है। और यहाँ पे फुटपैक की क्वालिटी के मामले में यामा की कंपनी और हीरो की कंपनी को कुछ कहना नहीं पड़ता, इन्हों काफ़ी बढ़िया जो है परफॉर्मेंस दे देते हैं। बिल्ड क्वालिटी भी जो है इस बार इन्होंने काफ़ी बढ़िया करी और यहाँ पर हमें जो है FI की जो है बैचिंग भी मिल जाती है। गाड़ी ओवरऑल देखने में काफ़ी सेक्सी लग रही है, काफ़ी बढ़िया है। और अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ भी चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको जो इसके हैंडल्स बता देते हैं, जो कि हमको इसमें जो है सिंगल डॉट हैंडल मिल जाता है और इसमें भी जो है देख सकते हो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, बस यही है कि यहाँ पे हैजार्ड का बटन दे दिया है। अब जो है अपना आराम से हैजार्ड लैंप ऑन करके दिखाता हूँ आपको, तो भाई ये देख सकते हो हैजार्ड लैंप ऑन होने के बाद कुछ इस टाइप से हमारे लगते हैं, चारों इंडिकेटर्स ऐसे लगते हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, डिज़ाइन इसका अच्छा है, इसके कारण जो है हमको काफ़ी अच्छे इंडिकेटर्स लग जाते हैं। बाकी अगर हम इसकी बात करें लेफ्ट हैंड साइड पर तो यहाँ पे हमको पास का बटन मिल जाता है, यहाँ पे हमको जो है लो बीम हाई बीम का बटन मिलता है, इस साइड हमें इंडिकेटर का बटन मिलता है, नीचे हमको हॉर्न का बटन मिलता है। हॉर्न सुना के दिखाता हूँ आपको, हॉर्न इसमें जो है काफ़ी लाउड है, हालांकि इसमें दिया सिर्फ सिंगल हॉर्न है लेकिन काफ़ी लाउड है। हाँ, गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है। बाकी यहाँ पे हमको जो स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है और यहाँ पे हैजार्ड का बटन मिलता है राइट हैंड साइड। गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट अगर होती है, न्यूट्रल कर लेते हैं, न्यूट्रल से ज़्यादा है। गाड़ी में जो हमको 5 गियर मिलते हैं इसमें हमको, मेरे हिसाब से इसमें जो है अगर 6 गियर कर देते हैं तो MT5 MT15 जितना परफॉर्मेंस दे रही उतनी ही परफॉर्मेंस और उतनी स्पीड जो है इसकी हो जाने वाली है। बाकी अब गाड़ी को ऑन करके देखते हैं, सुनाते हैं आपको एग्जॉस्ट ऑफ। तो भाई इसका साउंड भी जो है काफ़ी बढ़िया है। बाकी पीछे से मैंने आपको लाइट्स दिखाई दी थी कुछ इस टाइप से लगती हैं और यहाँ पे जो है हमको टेल लाइट मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया टेल लाइट है। नीचे हमको जो है नंबर प्लेट होल्डर के लिए भी जो है यहाँ पे लाइट देके रखी हुई है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे
ये देखो सारी वार्निंग लाइट्स हमें बाहर मिल जाती है। अंदर हमें गियर इंडिकेटर, आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, कितना डेट है और फ्यूल गेज मीटर, सारी चीज़ें हमें अंदर दिखाई देती है। बाकी यहाँ से अपना जो है सेट कर सकते हो और यहाँ से मोड में देख सकते हो। यहाँ पे आपको ऑडोमीटर दिखाई दे देता है, ट्रिप ए ट्रिप बी, कितना माइलेज है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये भी आपको बता देगा। तो ये सब चीज़ें जो है आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी गाड़ी ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। और इतनी देर से जो सस्पेंस में था कि इसका भाई प्राइस कितना है, क्योंकि इतने सारे फीचर्स को ऐड कर दिया इन्होंने, तो प्राइस भी कहीं ना कहीं जो है बढ़ा दिया होगा। गाड़ी को ऑन करके एक बार इसकी लाइट दिखा देता हूँ। तो ये देखो गाड़ी की भाई लाइट्स कुछ इस टाइप से लगती। अब ये ऊपर हमारी लो बीम की हाइट है, मैं हाई बीम भी कर देता हूँ। तो ये देखो हाई बीम लाइट होने के बाद इसका लाइट का थ्रो काफ़ी बढ़िया आता। हालांकि देखने में ये छोटी लगती है, लेकिन सामने से जो है इसकी थ्रो जो है काफ़ी बढ़िया, काफ़ी लंबे दूर तक की इसका जो है हमको थ्रो देखने के लिए मिलता है। सो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के लिए, जो कि हमारी हीरो एक्सट्रीम 160R 4V की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग जो हमको पड़ जाती है 1,39,601 रुपये की। और अगर आपको ये गाड़ी लेनी है लखनऊ में तो आपको आना पड़ेगा प्राइड हीरो मोटर, जो कि हमारा IAM रोड पर पड़ता है भाई, यहाँ देख सकते हो अपोजिट साइड ऑफ एल्डिको सिटी। तो आपको यहाँ पे जो है गाड़ी मिल जाएगी। ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं तो इसकी जो हमें पड़ जाएगी 1,67,704 रुपीज़ की, जो कि इस प्राइसिंग में जो है ये गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। हालांकि इसमें जो हमको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, लेकिन यार उसके लिए आपको जब आप गाड़ी लोगे, गाड़ी एक्टिवेट करोगे, तब उसके ऐप से जो है आपको इसमें कनेक्शन करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और इसके हिडन फीचर्स और रील्स देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो, जो कि स्वप्निल ऑटोमोटो। अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो जाके, और कौन सी गाड़ी की वीडियो चाहिए कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद, वंदे मातरम। Oh, 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 oh